में या में नहीं करने वाले तो ये जो अप्रोक्सिमेशन करोगे तुम इट विल बी वेरी यूजफुल दो सेकंड इन दिस कैलकुलशन तीन सेकंड वहां पे बचे हर एक कैल्कुलेशन में हर एक क्वेश्चन में भी नहीं एक क्वेश्चन में दस कैल्कुलेशन है हर एक जगह एक दो एक दो सेकंड बचा रहे है. ओवरऑल बहुत टाइम बचेगा एंड बी एबल टू स्पेंड दाइम समवेर एल्स अगर कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो ये क्वेश्चन में बचा तो कौन से दूसरे क्वेश्चन मेंट जहां पर सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं जैसे सीईटी में हो गया सीईटी में यूल बी एबल टू स्पेंड लेट से टाइम सेव्ड यर इन योर आर सी इन यूर एल आर का पजल डी के सेट में पैराजम्बल में अलग अलग जगह पे यूल बी एबल टू स्पेंड द टाइम राइट अप्रॉक्सिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अप्रोक्सिमेशन अभी हम लोग देखने वाले ये ऐसा है कि जो बहुत टॉपर्स यूज करते हैं मैं खुद भी यूज कर रहा था जब मैं स्कॉलरशिप की एग्जाम्स दे रहा था तब से या फिर एम की एन की काप्रेकर मैथ्स एग्जाम्स प्रावीण्य प्रज्ञा जो भी एग्जाम्स मैंने मैथ्स के क्रैक किए वहां पे मेरे सर ने मेरे को सिखाया था एंड वही मैं अभी बताने वाला हूँ तुम्हें ये बहुत लोग यूज भी करते रह गए एज ऑफ नाउ बट तुम्हें लग रहा है कि अरे टॉपर्स का स्ट्रैटेजी मुझे पता होना चाहिए सी

तो तुम्हें लग रहा है कि वो भी तुम्हें समझना है कि यार उसपे भी एक वीडियो बना दो राइट right? तो कमेंट सेक्शन में डू लेटर्स नो कमेंट सेक्शन में टॉप 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 कमेंट करना नेक्स्ट uh, वीडियो उस पर बनाएंगे ठीक है ओनली इफ यू गिव अस द फीडबैक देन हम लोग बनाएंगे ठीक है ऑल right. राइट एंड एज मतलब ये तो हो गया नेक्स्ट वीडियो आइडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बट तुमको लग रहा है कि कुछ भी डाउट रहेगा रिगार्डिंग दिस वीडियो एज इन द कमेंट सेक्शन बिलो ठीक है मैं कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ क्योंकि अपन कैलकुलेशंस एप्रोक्सीमेशन से देखने वाले ऑलराइट right? 584 बाय 99 584 बाय 99 इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल है ध्यान रखो तो so, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी जाना चाहिए ऐसे अपन कर रहे कि ये 99 का मैं 100 कर ले रहा आई होप बेसिक्स पता है तुम्हें एप्रोक्सीमेशन के कि 584 बाय 99 और 584 बाय में बड़ा कौन सा होगा गाइस इज दिस ग्रेटर देन दिस और दिस कीपिंग द न्यूमरेटर सेम अगर मैं डिनोमिनेटर बढ़ा रहा हूं बढ़ा रहा हूं बढ़ा रहा हूं तो फ्रैक्शन छोटी छोटी होती जाएगी तो इज डेफिनेटली ग्रेटर देन दिस तो इसका आंसर क्या आएगा मेरा आया ये वाले कैलकुलेशन का तो ये जो फ्रैक्शन है वो फाइव पॉइंट एट फोर से बड़ी आनी चाहिए तो से जस्ट बड़ा वाला जो आंसर रहेगा ऑप्शन में वो तुम्हें मार्क करना है ऑब्वियसली अपन अप्रोक्सिमेशन सीख रहे अभी वो क्या स्ट्रेटेजी यूज होनी वाली वो देखेंगे ठीक है आई होप की बेसिक्स समझाए तुम्हें ठीक है तो फाइव पॉइंट uh, मैंने क्या किया ये 584 100 कर दिया ठीक है तो ऐसे नहीं करना है यहां पे मैं एक से बढ़ा रहा हूं ना तो के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्या जाएगा तो मैं नीचे क्योंकि डिनोमिनेटर भी बढ़ा रहा हूं तो मैं न्यूमरेटर भी ऐसा बढ़ाऊंगा कि मेरे को कैलकुलेशन ईजी जाएगा ये चीजें मन में होनी चाहिए अभी लिख के बता रहा हूं तो ये जो डिवाइड करने के बाद सिक्स आ रहा है अजूम दैट दैट सिक्स इज द वैल्यू ऑफ वन यूनिट एक यूनिट का ही वैल्यू रहेगा ये और ये डिनोमिनेटर को जितने यूनिट से बढ़ा रहे हो उतने यूनिट से अपने को बाद में न्यूमरेटर बढ़ाना होता है दैट इज द होल ऑफ द अप्रोक्सिमेशन टेक्निक तो ये एक यूनिट से मैंने बढ़ाया है तो ऊपर भी एक यूनिट और एक यूनिट की वैल्यू मेरी छह है तो ये हो येगाक्वल टू फाइव नाइन्टी और नीचे क्या हंड्रेड ही रहेगा नया वैल्यू हंड्रेड रहेगा तो दिस शुड बी योर आंसर अप्रोक्सिमेशन के बाद अपन देखते हैं कैलकुलेटर में क्या आया फाइव एटी फोर डिवाइडेड बाय

एक यूनिट से बढ़ाना है ऐसे नंबर के पास लेके जाना विल बी फॉर टू कैलकुलेट तो अभी seven, seven का मल्टीपल ऊपर क्या हो जाएगा uh, 56, 70, तो 70 ले लो इजी हो जाएगा तो ये हो जाएगा इलेवन एक यूनिट की वैल्यू इलेवन यहाँ पे मैं इलेवन से बढ़ा मतलब एक यूनिट से बढ़ा रहा हूं ऊपर भी एक यूनिट से बढ़ा होगा तो सेवन फोर्टी एट बाई सेवन वुड बी योर आंसर ये जीरो का यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा सेवन वन जा लगभग कैलकुलेट करते हैं उनका तो दो डेसिमल तक अपना आ जाता है विच इज सफिशेंट ठीक है दो डेसिमल तक आई होप कि समझाए लॉजिक समझाएगा इस क्या यूज कर रहे हैं कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो ठीक है डाउट्स रह तो पूछो डाउट्स छोड़ो मत ये एक यूनिट से बढ़ाया तो जो वैल्यू आई मेरी ऊपर मैंने सेवन सेवनटी लिया ताकि मैं ओरली कैलकुलेट कर सकू क्योंकि मुझे पता है सेवन का मल्टीपल डायरेक्टली सेवनटी सेवन आता है ठीक है सेवन हंड्रेड मत लो क्योंकि नीचे बढ़ा रहे हो तुम वैल्यू और ऊपर कम कर रहे हो ना अप्रोक्सीमेशन में प्रॉब्लम होगा ठीक है नीचे बढ़ा रहे अपन डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर भी बढ़ाएंगे आई होप दैट इज क्लियर

तो 97.5 डिवाइडेड बाय 5, 5 47, 45, 25 5. तो तुम बोलोगे सर ये ये भी ओरली एटलीस्ट यहां तक तो भी तुम पेपर से लिखो नाइन 50, डायरेक्टली ये स्टेप तो, तक तो भी आओ ओरली। ये स्टेप फिर लिख लो ठीक है पेपर पे लिख रहे हो दैट शुड बी फाइव ठीक है तो 19.5 आया मेरा आंसर अपन देखते कितना है आना चाहिए समझ रहेगा इस ठीक है अभी एक यूनिट का ही देख यूनि ये अगर तुम नाइन नाइन ले लेते तो थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता 49, uh, 40, फिर सब ट्रैक करो देखो आंसर आएगा ऐसा नहीं कि नहीं आएगा पर अपने को अप्रोक्सिमेशन करना है वी नीड टू गेट क्लोजर टू आंसर विदाउट पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट्स नहीं तो फिर यही मैं करूंगा ना कैलकुलेट का इतना मेहनत करना है समझ रहे हो तो दिस दिस इज इजियर ये फिर क्लोजेस्ट नंबर जो 50 का मल्टीपल भी रहेगा तो मुझे ये होल uh, नंबर मिलेगा फिर वो मैं सब कर पाऊंगा फिर मेरा आंसर इजील आएगा एवरी वन विजिट बाई डिजिट का समझा है ठीक है तुम बोलोगे सर 52 होता तो देखेगा वो भी देखेगा इट्स ओके okay, का भी कर सकते नॉट अ बिग डील ठीक है डाउट्स रहेंगे तो पूछो कुछ भी एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन टॉपर्स का स्ट्रैटेजी चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन टॉप 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 लिखना है ऑल राइट right. बिफोर कंटिन्यूइंग विदीव एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद न्यू बैच फॉर एमबीएसई टी फ्रॉम फोर्टीन ऑफ अक्टोबर बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ द बोधिट्रीज बंडल्स डू चेक आउट द डेमो लेक्चर्स डेमो लेक्चर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है ये बैच के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो एंड में जो नंबर्स आएगी या स्क्रीन पे जो नंबर्स आ रहे तुम्हें अभी वहां पर कनेक्ट करो टीम के साथ कनेक्ट करो वो डिटेल्स देगा और सारे बंडल्स आर नाउ ऑफिशियली लाइव ऑल द बंडल्स आर ऑफिशियली लाइव ठीक है तो बंडल्स 2026 के सी का हो गया 2025 का कैट का हो गया वो भी बंडल्स आर ऑफिशियली लाइव कुछ भी डाउट्स रहेंगे वीडियो के रिलेटेड डो अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो और अभी ये ये तुम पूछ रहे थे ना सिक्सटी थ्री जो मैं बोल रहा था आ गया ना 63 अभी क्या करूंगा मैं तीन यूनिट से नीचे जा रहा हूं मैं ठीक है तो ऊपर क्या करूंगा सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सेवन एट्टी कर लेंगे तो जब ज्यादा बड़ी जंप है ना यूनिट्स की तो ऊपर भी बड़ा जंप ले सकते हो इट्स ओके फोर्टीन आ ये 14 एक यूनिट की वैल्यू है गाइस जैसे अपन डिस्कस कर रहे दिस इज द वैल्यू ऑफ वन यूनिट अज्यूम इट्स वन यूनिट तो यहाँ पे तीन यूनिट से मैं अगर नीचे जंप कर रहा हूं तो ऊपर भी फोर्टीन थ्री झा फोर्टी टू से कम करूंगा मैं फोर्टीन वन जोर्टीन से नहीं कम करूंगा कि माइनस फोर्टीन यहां पे नहीं करूंगा एट नाइनटी फोर एट नाइनटी फोर माइनस फोर्टी टू करूंगा तो एट फिफ्टी टू अपन सिक्सटी वुड बी योर आंसर दिस इज योर अप्रोक्सिमेशन वाला आंसर तो एटी फाइव पॉइंट टू डिड बाय सिक्स देखते कैलकुलेटर में एट नाइंटी फोर डिवाइडेड बाई सिक्सटी थ्री फोर्टीन पॉइंट वन नाइन फोर या दिख रहा है अप्रोक्सिमेशन समझ रहे दिस इज इजी ना ये वाला इजी कैलकुलेशन करना देन दिस हा या ना

स्पेसिफिक में मैं नहीं गया क्योंकि मुझे पता है कि अप्रोक्सिमेशन दूर आएगा तो मैंने थोड़ा आगे का नंबर लिख दिया 68.3 देखो तो ये विथ प्रैक्टिस आएगा मैंने ऐसे नहीं लिखा 68. Uh, 40, 66, 64 22 uh, ऐसे नहीं लिखा मैंने डायरेक्टली थ्री लिखा समझ रहे हो uh, अभी क्या आ रहा है इसका आंसर फाइव सिक्स सेवन टू डिड बाय प्रैक्टिस समझेगा सिक्सटी एट पॉइंट थ्री थ्री देखो क्लोज ही है ऐसा नहीं कि क्लोज नहीं पर ये देखो ये ज्यादा क्लोज है और एक कैलकुलेशन भी इजीली आया ठीक है गाइस समझ फोर डिजिट डिजिट बाय टू टू का भी भी समझा कुछ यू हैव प्रैक्टिस दिस डेली खुद से प्रैक्टिस करो रैंडम नंबर लो ठीक है अभी नेक्स्ट देखते सेवन वन वन फोर बाय सेवन टी नाइन ये एट्टी कर दूंगा मैं ऊपर भी क्या करेंगे क्लोजेस्ट सेवन टू जीरो जीरो 90 आ गया एक यूनिट मतलब 90 है तो 90 ही एड करेगी ऊपर तो 402 तो 720.4 ट्वेंटी बाय 8 डिवाइड बाई एट एट नाइन टू जीरो 40, आ, ये काफी क्लोज आना चाहिए क्योंकि ज्यादा जंप नहीं है बड़ा जितना अपना देखो क्योंकि 90 मेरा वैल्यू आया यूनिट का और 90 इसमें ऐड करने के बाद 7204 ही आ रहा है और अपना क्या आ रहा था 7200 आ रहा था काफी क्लोज है ठीक है तो ये आंसर काफी क्लोज आना चाहिए वाला अप्रोक्सिमेशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग नहीं अपना भी नाइनटी पॉइंट जीरो जीरो सिक्स है अपना भी नाइनटी पॉइंट जीरो आया वो भी जीरो जा फिर फोर के आगे एक जीरो लगेगा एट फाइव ठीक है ये अपना एक्चुअल आंसर है ये एक्चुअलेशन का जैसे मैंने बोला काफी क्लोज है अप्रोक्सिमेशन जैसे सीखोगे यूल गेट कंफर्टेबल गाइस ठीक है ओके अभी ये फोर डिजिट बाय डिजिट इसका अप्रोक्सिमेशन और दूर जाएगा अभी ठीक है एक्चुअल वैल्यू से क्योंकि बड़े बड़े जम से ये दो सौ लूंगा मैं ये कितना लूगा ग्यारह कम कर रहा हूं तो ऊपर भी कम करेगा 8200 लेना है क्या 8400 लेना है चलो 8400 लेते ज़्यादा ऊपर बड़ा जंप नहीं करते दिस इज 21 कैलकुलेशन ये हो जाएगा अपना है ना दोनों ट्राई करते हैं देखते कि डिफरेंस भी कितना आता है एक बार ये जंप ले रहा हूँ मैं ट्वेंटी फोर्टी टू माई बैड फोर्टी टू और यहाँ पे कितना आ रहा है फोर्टी वन आ रहा है ठीक है तो अपन क्या करते हैं ये एक बार ये कैलकुलेट करते इलेवन जा मल्टीप्लाई इलेवन टू जोटी फोर फोर सिक्सटी टू करना है इसमें से फाइव थ्री जीरो एट जीरो थ्री फाइव बाई टू हंड्रेड तो ये आंसर हो जाएगा फोर जा जीरो वन दिस इज यो आंसर आंसर क्या है देखते हैं, डाउट्स रहेंगे तो पूछो कैसे कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं ऐसे ही क्यों आ रहा है फोर्टी पॉइंट टू सेवन आ रहा है आंसर ठीक है यहाँ पे देखते कितना आता है इलेवन वन जो फोर्टी फोर फाइव फोर फिफ्टी वन सब ट्रैक करना है तो यहाँ पे आएगा सिक्स नाइन का फोर ज़ीरो एट ज़ीरो फोर सिक्स डिवाइडेड बाई दो सौ तो ये थोड़ा क्लोज आएगा ठीक है गई ये थोड़ा क्लोज आ रहा है आ, तो टू फोर ज़ा ज़ीरो ज़ा टू ज़ा थ्री ये क्लोज आ रहा है क्यों क्योंकि नीचे बहुत बड़ा जंप किया अपन ने ग्यारह यूनिट्स का जंप किया पर ऊपर देखो कुछ नहीं ज्यादा जंप नहीं है एट्टी फोर नाइन सेवन का एट्टी फोर हंड्रेड किया इसलिए ये थोड़ा दूर जा रहा है अपना अप्रोक्सिमेशन इसलिए मैंने फिर एट्टी टू हंड्रेड का भी बनाया समझ रहे हो कैसे करना है अप्रोक्सिमेशन गाइज हो क्योंकि यहां पे ग्यारह यूनिट से कम कर रहा हो और ऊपर मैंने डायरेक्टली नाइनटी सेवन सिर्फ सब ट्रैक किया बाकी के अगर तुम नंबर्स देखोगे ठीक है थोड़ा स्टडी करो समझ लो आई होप आई एम बी क्लियर यहां पे देखो तीन यूनिट से किया ऊपर सिर्फ सेवनटी टू से ही किया

तो स्कैन दिस क्यू आर कोड या इसकी ये फॉर्म की डिटेल्स भी फॉर्म की लिंक दी होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर ये क्यू आर कोड स्कैन करोगे फॉर्म भरोगे फ्री है ऑब्वियसली आर टीम विल गेट कनेक्टेड टू यू कि तुमको गाइड करेगी कि आगे क्या करना चाहिए तुमने और सो स्कैन दिस क्यू आर कोड एंड फिल द फॉर्म एब्सुल्यूटली फ्री अग्नि परीक्षा तो आती है एवरी संडे विदाउट फेल टू टू थ्री पी ये अभी सब लोगों को पता ही है बार बार बोर नहीं करूंगा बट देते जाओ इसका स्टूडेंट्स को बहुत फायदा हो रहा है ठीक है स्टूडेंट्स आर एंजॉइंग दिस एंड स्टूडेंट्स को बहुत फायदा भी हो रहा है अलग अलग एवरी संडे नए नए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो तुमको गूगल पर मिलने नहीं वाले कि गूगल करोगे क्वेश्चन मिलेगा नहीं ठीक है दैट्स इट फॉर दिस वीडियो वीडियो इफ यू लाइक लाइक द द डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बटन शेयर करो सब्सक्राइब टू द दोधी ट्री चैनल ऑल्सो फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन वेन एवर वी पोस्ट सच यूजफुल टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे डेली बेसिस पे कॉन्स एल आर वर्बल वो कैपीट आरसीज पजल्स करंट अफेयर्स के क्विजेस डालते हैं इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे डेली न्यूज एनालिसिस आता है करंट अफेयर्स डेली न्यूज एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट तुम्हारे जी के प्रोसेस के लिए ऑल्सो फॉर सच एग्जाम्स जहां पे क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस पे और यूट्यूब पे तो ऐसे वीडियोज लेके आते ही है जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बोला था तुम्हें टॉपर्स की स्ट्रैटेजी चाहिए हो तुम्हें चाहिए कि एक ये यूजफुल वीडियो रहेगा तो कमेंट सेक्शन में टॉप लिखना एंड ये जो अप्रोक्सिमेशन का डिस्कस किया उसके बारे में भी कुछ डाउट्स रहेंगे तो आज दम इन द कमेंट सेक्शन बिलो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो